गौरव से कह रहा हूँ मैं बिहारी हूँ। जय बिहार। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं निष्पोनेशन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों जापान के दौरे पर हैं। ये फोटोज देखिए जो आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, दरअसल ये फोटो जो है वो जापान के टोक्यो में बिहार फाउंडेशन के जापान चैप्टर द्वारा प्रवासी बिहारियों के लिए आयोजित कार्यक्रम की है, जहां पर आपको तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जोरदार भाषण दिया, प्रवासी बिहारियों और प्रदेश की महान सभ्यता और समृद्ध संस्कृति को लेकर जो है उन्होंने भाषण दिया। बिहारी लोग परिश्रमी, ईमानदार, जिम्मेदार होते हैं, ये सब बातें जो है वो तेजस्वी यादव ने कहा। अगर बिहारी डायस्पोरा और संसाधनों को प्लान तरीके से एक विजन के तहत चैनलाइज किया जाए तो बिहारी कुशल जन संसाधन के केंद्र के रूप में उभर जो है वो सकता है। ये बातें तेजस्वी यादव ने की। कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल खुशनुमा माहौल में हुआ। दरअसल तेजस्वी यादव इसलिए जापान के दौरे पर गए हैं कि वो चाहते हैं कि बिहार में टूरिज्म जो है वो बढ़े। उप मुख्यमंत्री तो हैं ही तेजस्वी यादव, सह वो पर्यटन मंत्री भी हैं, और बतौर पर्यटन मंत्री जो हैं वो टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, इस दिशा में जापान के लोगों को एक तरह से कह सकते हैं ये बताने के लिए गए हैं कि बिहार बदल रहा है, बिहार में अब जो सरकार है वो नौकरी वाली सरकार है। बिल्कुल खुशनुमा माहौल में ये सेमिनार जो है वो आयोजित किया, घंटों तक ये सेमिनार चला। विस्तार तेजस्वी यादव ने विस्तार से प्रदेश को लेकर बातें की। जब कार्यक्रम खत्म हो रहा था तो प्रवासी जो बिहारी हैं वो तेजस्वी यादव के साथ आते हैं मंच पर। यह तस्वीर उस वक्त की है, वीडियो है, जिसमें कि गीत गाया जाता है बिहार को लेकर। बिहार को लेकर जो है वो सभी जो प्रवासी बिहारी जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर गीत गाते हैं, और तेजस्वी यादव भी उस गीत को गुनगुनाते हैं। गौरव से कहता हूँ हाँ मैं बिहारी हूँ, तो अब वो गीत सुनिए। देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी है, बुद्ध कहा है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी है, बुद्ध महावे बिहारी हूँ, बिहारी हूँ, बिहारी हूँ, गौरव से कह रहा हूँ मैं बिहारी हूँ, बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ। जय बिहार। मिला कहें कि सेमिनार जो आयोजित किया गया था जापान के टोक्यो में, तेजस्वी यादव ने जो है वो लंबा भाषण दिया, बिहार की तरक्की के बारे में बताया, बिहार की मौजूदा सरकार की नीतियों के बारे में बताया, और वहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने कहा कि बिहार बदल रहा है है, और आप लोगों से दरकार है कि अगर डायस्पोरा जो यहाँ पर है उसे चैनलाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो बिहार को और भी जो है वो मिलेगा। तो 4 नवंबर को जो है वो जापान का दौरा तेजस्वी यादव का खत्म हो रहा है, और लगातार तेजस्वी यादव जापान में प्रवासी बिहारियों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, 1-to-1 बात जो है वो कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव का फोकस जो है वो टूरिज्म बढ़ाने को लेकर है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।